हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे वीडियो। सो आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ हिंदी ए का सैम्पल पेपर, और ये है सीबीएसई के लिए। क्लास है इसकी 10th, और निर्धारित समय है 2 घंटे, पूर्णांक है 40, और सामान्य निर्देश ये आप सभी देख सकते हैं, यानी कि ये प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और खंड क, और भी अलग अलग हैं। सो वो मैं आपको जब जब ये आएंगे प्रश्न तब तब बताई जाऊंगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, ये है खंड क में से पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक से। सो देखो, प्रश्न नंबर 1 का क पाठ फादर कामिल वाला जो है वो मैंने नीचे सभी की हुई है। फादर संकल्प के से सयासी थे, मन से सयासी नहीं थे, इस पंक्ति द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है? तो इसका उत्तर है, फादर बुल के अपनी वेशभूषा और संकल्प से सन्यासी थे, परंतु वे मन से सन्यासी नहीं थे, वे विशेष संबंध बनाकर नहीं रखते, परंतु फादर बुल के जिससे रिश्ता बना लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। वर्षों बाद मिलने पर भी उनसे अपनत्व की महक अनुभव की जा सकती थी। जब वे दिल्ली जाते थे तो अपने जानने वालों को अवश्य मिलकर जाते थे। ख, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? तो इसका उत्तर है, फादर बुलके के पोर से ममता झलकती थी, उनकी नीली आंखें हमेशा प्यार भरा आमंत्रण देती थी। देवदार की छाया घनी होती है जिससे थके हुए पथिक को आराम मिलता है। ग, क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटीक उदाहरणों द्वारा अपने विचार प्रकट के दिए। तो इसका उत्तर है, हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रह सकते। बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज हॉस्पिटल की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई। सो घ पाठ लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर है, लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग निहित है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का प्रतीत होता है। इसके अलावा नवाब साहिब की शान दिखावा रसोई का प्रदर्शन, नवाबी ठस्क नज़ाकत आदि सभी लखनऊ के उन नवाबों जैसी है जिनके नवाबी कब की छिन चुकी है, पर उनके कार्य व्यवहार में अब भी इसकी झलक मिलती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। क, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। ख, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। और ग, इस सत्र में पढ़ी गई इस कविता बेकोरी भावुकता न होकर जीवन में संचित किए अनुभवों की अनिवार्य सीख है। कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टि के लिए उपयुक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। घ है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती है और क्यों, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखो, सबसे पहले क का उत्तर है जो कि क प्रश्न था, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रकृति में नव जीवन के समावेश और जन्मानस में क्रांति चेतना के शंखनाद के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। ऐसे उपेक्षा करते हुए ही कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है जो पूर्णतः सार्थक है।
तो आगे है ख पाठ। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसे अपने शब्दों में लिखें। तो इसका उत्तर है फागुन में वृक्षों की डालियां हरे और लाल नव पल्लवों और रंग बिरंगे पुष्पों से लद जाती है। सुवासित पवन उल्लासपूर्ण वातावरण और फागुन की सुंदरता का प्रभाव मनुष्य के मन पर भी पड़ता है। चारों ओर उल्लास और उत्साह दिखाई देता है। प्रकृति का सौंदर्य कहीं सांस लेता हुआ तो कहीं आकाश में उड़ता हुआ सत्र दिखाई देता है। आगे है ग। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोरी भावुकता न होकर जीवन में संचित किए अनुभवों की अनिवार्य सीख है। कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टि के लिए उपयुक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है ऋतुराज कृत कन्यादान कविता में वर्णित माँ परंपरागत माँ से पूर्णता भिन्न है। वो आज के समाज में फैली विकृतियों और नारी के साथ हो रहे शोषण के प्रति सचेत है। इसलिए वह अपनी बेटी की विदाई के समय कोरी भावुकता का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि अपने जीवन में संचित अनुभवों के आधार पर वह उसे सौंदर्य व वस्त्र आभूषणों पर न रिझने और मानसिक रूप में दृढ़ बनने का संदेश देती है। साथ ही वह बेटी को नम्रता और संस्कार युक्त होने के साथ साथ स्वयं को किसी के सामने लड़की जैसे अबला न दिखाने और शोषण का शिकार न होने की व्यवहारिक सीख भी देती है। ख। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती है और क्यों, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है इसमें कवि ने फागुन मास के में प्रकृति की सुंदरता का व्यापक सजीव एवं चित्रात्मक वर्णन किया है। फागुन मास में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। पतझड़ में ढूंढ बने वृक्षों की डालियां वसंत ऋतु के आते ही हरे और लाल नव पल्लवों और रंग बिरंगे पुष्पों से लद जाती हैं। चारों ओर का वातावरण पुष्पों की सुगंध से सुवासित हो जाता है। रंग बिरंगे सुंदर फूलों से सजे वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है मानो उनके गले में सुंदर पुष्पों की माला पड़ी हो। कवि की यह कल्पना बहुत प्रभावी बन पड़ी है। तो देखो आगे है प्रश्न नंबर 3। इसके 3 प्रश्न हैं। सो अब हम वो करते हैं। सबसे पहले क। माता का अंचल पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है? क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपनों के जीवन मूल्यों पर पड़ा है? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर माता का अंचल पाठ में वर्णित बचपन के से आज के बचपन में बहुत अधिक अंतर आ गया है। पहले बच्चे सामूहिक रूप से घर के आसपास स्वच्छ खुले वातावरण और प्राकृतिक परिवेश में खेलते थे, किंतु अब वे केवल अपने घर या अपने कमरे तक सीमित होकर रह गए हैं। उनके खेलने की सामग्री भी भिन्न है। ऐसे में बच्चे प्राकृतिक परिवेश से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही उनमें परस्पर सामंजस्य और सहयोग भावना का भी अभाव हो रहा है। पहले बचपन को संयुक्त परिवार का प्रेम संरक्षण और समय प्राप्त होता था। आज एकल परिवार में रहने के कारण कामकाजी माता पिता के कार्य पर चल जाने के बाद बच्चे एकाकीपन का अनुभव करते हैं। ऐसे में बच्चे केवल टीवी देखकर या मोबाइल पर गेम खेलकर अपनी शाम और समय बिताते हैं। पहले बड़ों के संरक्षण में रहकर उन्हें बड़ों से स्नेह के साथ साथ कहानियों के माध्यम से उचित जीवन मूल्य और संस्कार भी प्राप्त होते थे, किंतु अब माता पिता की स्वस्थता में बच्चों को समय न दिए जाने के कारण बच्चों में उचित संस्कारों और बड़ों का आदर परस्पर सहयोग और सम्मान भावना जैसे जीवन मूल्यों का अभाव दिखाई देता है। नंबर ख।
जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताए कि मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें लेखक के तत्कालीन सरकार की मानसिक प्रतंत्रता और औपनिवेशिक दौर के विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े लोग मानसिक पराधीनता का शिकार हैं। इसी कारण जिन अंग्रेज़ों ने हम पर इतना जुल्म किया उनके स्वागत में लोग पलके बिछाए बैठे हैं। साथ ही सरकारी तंत्र में नीचे है, साथ ही संस्कारी तंत्र में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी भी समस्या के आने पर एक विभाग दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डालकर स्वयं छुटकारा पाने की कोशिश करता है। अफसरों में चापलूसी की प्रवृत्ति व्याप्त है। लेखक इस मानसिक प्रतंत्रता पर व्यंग करते हुए हमें संचेत करते हैं। भाग क ग, नदी फूलों वादियों और झरनों के स्वर्गिक सौंदर्य के बीच किन दृश्यों ने लेखिका के हृदय को झकझोर दिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर, कुछ पहाड़ी स्त्रियों आजीविका कमाने के लिए पीठ पर बच्चों को लादकर कठोर पत्थरों पर बैठकर पत्थरों को ही तोड़ रही थी। उनके कोमल काया और हाथों में कुदाल और हथौड़े का दृश्य लेखिका के अंतर को छक झोर गया। वे मानो पहाड़ी हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही थी। उन्होंने देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते और वहां से लौटकर माँ के साथ मवेशी चराते, पानी भरते और लकड़ियों के गट्ठर ढोते हैं। चाय के हरे भरे बागानों में युवतियों को बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ना और सूरज ढलने के समय पहाड़ी औरतों का सिर पर भारी भरकम लकड़ियों को गट्ठर लेकर गाय चराते हुए लौटना आदि लेखिका के हृदय को झकझोर देने वाले ये दृश्य उस स्वर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग को दर्शा रहे थे। आगे है प्रश्न नंबर 4 जो कि खंड ख में से है। ये रचनात्मक लेखन खंड है। सो देखो, इसमें हमने यानी निबंध अनुच्छेद लिखना है। सो देखो, ये इसके साथ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा तीनों के ऊपर ही, और साथ में ही इसके 2 पत्र एप्लीकेशन भी है। सो उनकी भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क पाठ है, आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है, इसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। सो आपको जो विज्ञापन तैयार कर रहा है, सो वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सो वो विज्ञापन ऐसा दिखना चाहिए। नेक्स्ट है, या इसकी जगह पर आप एक और कर सकते हैं, आपके दीदी से ने संगीत कला केंद्र खोला है, इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। सो देखो, ये वो विज्ञापन है, आप पॉज कर देख सकते हैं। ख, सामाजिक संस्था सवेरा के नशा मुक्त जागरूकता अभियान के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। सो वो ये वाला विज्ञापन है, सो आप इसे पॉज कर देख सकते हैं। अब आगे है, या इसकी जगह पर हम एक और कर सकते थे, बहुत कम कीमत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। सो वो बन सकता है ये वाला विज्ञापन, आप पॉज कर इसको देख सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7, कौपाट राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा
NTSC में पहला स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश दीजिए। सो देखो, ये वो बधाई संदेश ये वाला है, सो अब ये दे सकते हैं। अथवा इसकी जगह पर हम एक और कर सकते हैं, साहसिक कार्य के लिए बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में बधाई पत्र दें। सो ये बधाई संदेश, इसे आप पॉज कर देख सकते हैं। आगे ख, केरल के निवासी अपने मित्र को ओणम के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश दें, लिखिए। सो देखो ये वाला है, ओणम जो कि ओणम पर किसी को बधाई संदेश दिया जा रहा है, तो उसके लिए ये वाला विज्ञापन यानी बधाई संदेश सही है। सो देखो आगे है, भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश दें। सो ये है एक शुभकामना संदेश जो आप किसी को अगर उनकी वर्षगांठ हो तो तब दे सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे कुल रक्षणों में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।